अस्सलाम वालेकुम, एसएम न्यूज के साथ मैं हूं अहमद नदीम। खबरों का सिलसिला बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं गुजरात से। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर गुजरात उमर सलामत ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत नए तामीर होने वाले चौके ग्रीन टाउन की इमारत का इफ्तिताह कर दिया। सिविल सोसाइटी के तामस से नए तामीर किए गए चौके ग्रीन टाउन के इफ्तिताही तकरीब का इनकाद किया गया। इसी हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सैयद इरफान अब्बास से। जी इरफान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुजरात डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर गुजरात उमर सलामत ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत नई तमीर होने वाली चौकी ग्रीन टाउन की इमारत का इफ्तिताह कर दिया। सिविल सोसाइटी के तौर से नई तमीर की गई चौकी ग्रीन टाउन की इब्तदाई तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब में DSP सिटी रजा हसनैन अवान और इमारत की तमीर में हिस्सा लेने वाले सिविल सोसाइटी के मेम्बरान चौधरी आसम शमीम पलवान, चौधरी बाबर वड़ैच लंबरदार व दीगर मेम्बरान समेत पुलिस अफसरान और शहरियों ने शिरकत की। इस मौके पर DPO गुजरात ने खिताब करते हुए कहा कि बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने के लिए पुलिस फोर्स के साजगार माहौल होना ज़रूरी है। मैं पुलिस चौकी की तमीर में किरदार अदा करने वाले सिविल सोसाइटी के मेम्बरान का मशकूर हूँ, जिन्होंने इस कावश में हमारा साथ देकर बेहतरीन कम्युनिटी पुलिसिंग का सबूत दिया। इनका मजीद कहना था कि कोई भी अदारा सिविल सोसाइटी के तावन के बगैर कामयाब ना हो सकता है। मैं इन तमाम लोगों का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने इस कारखेस में हिस्सा लिया। तकरीब के अख्ताम पर DPO गुजरात उमर सलामत ने सिविल सोसाइटी के मेम्बरान पुलिस अफसरान में शील्ड तकसीम किए। इस मौके पर सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ चौधरी आसम शमीम पहलवान की अदम मौजूदगी में मीर सारब चेयरमैन जिला गुजरात NPCIF ने शील्ड वसूल की। जी बहुत शुक्रिया इरफान, तफसीलात से आगाह करने के लिए।